हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ 3D फिगर्स यानी कि क्यूब्स के बारे में। कितने क्यूब्स हैं, क्यूब्स के एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, एडजेसेंट मतलब बगल वाले क्यूब्स, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ क्यूब्स, कितने क्यूब्स हैं किसी भी एक 3D मॉडल में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर दो डायग्राम है, ठीक है, हम यहाँ से समझना शुरू करते हैं। ये सबसे बेसिक डायग्राम है। अगर आप यहाँ पर देखो तो इस लाइन में देखो कितने क्यूब्स हैं। क्यूब्स होते कैसे हैं, क्यूब्स इस तरह के कुछ होते हैं, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि क्यूब्स कुछ इस तरह के होते हैं, है ना, जिसमें 6 साइड्स होते हैं, ठीक है। ये 3 दिख रहा है आपको, 3 पीछे साइड में है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें काउंट करने के लिए कि यहाँ पर देखो ये जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं ना, ये वाला जैसे कि यहाँ पर ये वाला, ये एक छोटा सा क्यूब है, है ना। तो हमको यही काउंट करना है कि ऐसे ऐसे कितने क्यूब्स इस पूरे 3D मॉडल में है, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसके नीचे में कितने क्यूब है, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। फिर हम देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ, 1 और ये 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। और हम देखेंगे इसके इस साइड में, ठीक है, यानी कि तीनों डायरेक्शन में देखेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि हर एक दिशा में 4-4 क्यूब रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स जो होंगे इसमें होंगे आपके, इसको मान लो आप L, है ना, इसको मान लो B और इसको मान लो H। तो यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और आप क्या करना, यहाँ पर टोटल कितने क्यूब है, यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर बी दिशा में, इस दिशा में भी कितने हैं, 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर ऊंचाई की दिशा में भी 4 है यहाँ पर। तो 4 × 16 = 64 क्यूब इस फिगर में आ गए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तो हर एक दिशा में बराबर थे, तो आप सीधा क्यूब भी कर सकते थे कि 4 का क्यूब यानी कि 64 हो गया। लेकिन अगर मान लो जैसे ये फिगर है, इसमें कितना है, यहाँ पर लंबाई की दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, यहाँ पर 5 है टोटल। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ में, इसके यहाँ 1, 2 और 1, 3, और ऊंचाई में कितना है, 1 और 2, ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 × 15 = 30, ठीक है ना। इस तरह से आप किसी भी क्यूब्स को, मैं मतलब किसी भी मॉडल में नंबर ऑफ क्यूब्स को फाइंड कर सकते हो। तो ये सबसे आसान हो गया, है ना, काउंटिंग ऑफ क्यूब्स में ये सबसे आसान टॉपिक हो गया। यहाँ पर आपसे हो सकता है कि ब्रिक भी पूछ ले, यहाँ पर क्यूब्स रखे हुए हैं। ब्रिक मतलब क्या होता है, ब्रिक मतलब क्यूब वर्ड हो गया आपका, ठीक है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो जाता, तो वो भी पूछेगा, तो उसका भी यही तरीका रहने वाला है। तो काउंटिंग ऑफ क्यूब्स पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड का कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर वहाँ पर देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर सबसे पहले इस फिगर को, ये सबसे सिंपलेस्ट है, इसके बाद, ठीक है ना, पिछले फिगर के बाद ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखो यहाँ सबसे ऊपर में एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ बेसिकली आपको क्या बताना होता है, कितने क्यूब से मिलकर ये मॉडल बना हुआ है, है ना। अगर मान लो यहाँ पर एक क्यूब है तो उसके नीचे भी एक क्यूब ढका हुआ है जो हमको दिख नहीं रहा, और यहाँ पर 3 ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने हो गए आपके टोटल इस लेयर में, 4, यहाँ पर 4 हो गए। अब जब इस लेयर में आओगे नीचे वाले, यहाँ पर 3 लेयर बने हुए हैं क्यूब्स के, सबसे नीचे वाला लेयर, फिर ये ऊपर वाला और ये सबसे ऊपर वाला, है ना। इसको थोड़ा 3D में विजुअलाइज करना सीखो, ठीक है ना, करने का कोशिश करो। जिस चीज़ को आप विजुअलाइज कर लोगे तो आपको फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये अपने आप आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको देख कर बता सकते हैं इसमें इतने क्यूब्स हैं। तो सबसे ऊपर में एक क्यूब था यहाँ पर रखा हुआ, तो ऑब्वियस ही बात, ये एक क्यूब्स को ढक के रखा हुआ है। अगर मान लो इसके नीचे क्यूब्स नहीं है तो ये फिर यहाँ पर रह नहीं पाएगा ना, ये नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब इसके नीचे भी क्यूब्स हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहला क्यूब हो गया। इसके बाद इस लेयर में यहाँ पर 3 तो यहाँ पर दिख रहा है आपको सामने से, और एक इसके नीचे है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 हो गया, 3×1=4, और यहाँ पर 4 तो ढका हुआ है ना, यानी कि ये 4 किस पर खड़े हैं, किसी न किसी क्यूब पर खड़े हैं, तो यानी कि 4 के नीचे तो 4 ढके हुए, और यहाँ पर 3 + 2 = 5 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 14 टोटल आपका क्यूब्स हो गए यहाँ पर, है ना, इससे मिलकर ये मॉडल बना हुआ है। अब देखो बहुत जगह आपको बोलेंगे ये ट्रिक यूज कर लो। ट्रिक का प्रॉब्लम क्या है ना 3D में, कि वो ट्रिक हर जगह यूज नहीं होता, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन में होता है। आपको देखने में ट्रिक काफ़ी अच्छा लगेगा, उसको सीख भी जाओगे आप, लेकिन उसके चक्कर में आप कई क्वेश्चंस को गलत कर बैठोगे, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा आप, कि आप जो ये मेथड जो है ना विजुअलाइजेशन का मेथड, इसको यूज करो, ट्रिक्स हर जगह वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे देखो
यही मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं, काफी आसान है ना। क्या करोगे, सबसे ऊपर में एक क्यूब है यहाँ पर, है ना, एक को ये ढक के रखा है, दो दिख रहा है आपको, यहाँ पर तीन हो गया। इसके बाद ये तीन को ढका है और तीन आपको दिख रहा है, यहाँ पर कितने हो गए आपके, तीन तीन छः, ठीक है। और अगर नीचे वाले लेयर में आओगे तो यहाँ पर छः तो ढका हुआ है और यहाँ पर दिख रहा है आपको छः, यानी कि यहाँ पर बारह हो गया, ठीक है। इसी में कुछ और ट्रिक आपको बता देंगे, तो इससे बेहतर आप विजुअलाइज करो, ताकि सब सारे क्वेश्चन आप इसी मेथड से बनाते चले जाओगे। और ऐसा नहीं कि आपको कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पर टाइम भी काफ़ी कम लगेगा, क्योंकि आप देख ही सकते हो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसीलिए आपको टाइम हो सकता है कि 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आप अगर इसको सीधा करोगे, ये वन है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर छः, इसको विजुअलाइज करके आप लिख सकते हो, तो ये कितना हो गया 1218 18 4 22, यानी कि यहाँ पर टोटल 22 क्यूब्स हो गए आपके, ठीक है ना। काफ़ी आसान है ये सब कॉन्सेप्ट। इस पर अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं, है ना। ये भी बेसिक है, अभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले कि आप इसको भूल जाओ। एक तरीका क्या है कि आप जो है ना, इस लेयर को काउंट करो, इसको काउंट करो, इसको काउंट करो और इसको काउंट करो, और सभी को मतलब जोड़ दो। एक तो ये तरीका है, सबसे आसान तरीका है। एक क्या करो, पूरे को एकदम पूरा कंप्लीट क्यूब मान लो, है ना, जैसे इसको यहाँ पर इतना इतना ये है, उसको क्यूब मान लो, उसके बाद हर एक लेयर को घटाओ। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कौन सा यूज करोगे। आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि यहाँ पर सीधा कर लो आप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हैं, 5 का लेयर है ना, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो आप एक और क्या कर सकते हैं, एक और तरीका क्या है, इसमें क्या करोगे आप, सबको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, फिर सबको जोड़ोगे, हो सकता है टाइम लग जाए। तो आप इससे बेहतर ये करो कि इसमें देखो कितने क्यूब्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर टोटल कितने क्यूब्स हैं, यहाँ पर 5 है, और देखो इसमें कितने क्यूब्स हैं टोटल, यहाँ पर कितने, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, और 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 15 5 75 क्यूब्स आपके टोटल आंसर आ जाएंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे कि आप पहले लेयर को कैलकुलेट करो, फिर दूसरे को करो, तीसरे को करो, चौथे करो, पाँचवें करो, सभी को जोड़ो। हो सकता है उसमें कुछ सेकंड ज़्यादा नहीं, कुछ ही सेकंड ज़्यादा लगेंगे। एक है कि पूरे को कंप्लीट निकालो, फिर उसमें से सब लेयर को माइनस करो, तो ये दूसरा मेथड हो गया। एक और क्या था, ये सबसे कम टाइम वाला, इसमें क्या करो कि इस लाइन में देखो, क्योंकि ये हर एक लाइन में बराबर है, इसमें क्यूब है ना, इसमें कहीं पर घट नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पर 5 है ना टोटल, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, हर एक में 5 है इस लाइन में, तो 5 हमने लिखा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जितने क्यूब्स आपको दिख रहे हैं सामने से, सभी को काउंट किया और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 75 आपका आंसर आ गया यहाँ पर क्यूब्स का, ठीक है। काफ़ी आसान मेथड है, जैसे कि ये सब है, ये सब भी कुछ डिफिकल्ट नहीं, अगर आप इसको करोगे, है ना, इस क्वेश्चन को करोगे। अब क्या करो, यहाँ पर कोई ट्रिक काम करेगा, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, आपको मैनुअली करना पड़ेगा, विजुअली विजुअलाइज करके 3D में ये फिगर किस तरह का। जैसे कि सबसे छोटा फिगर ये है, इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर दो आपको दिख रहा है सामने से, दो यहाँ पर है, ठीक है, दो दो 4 हो गया, और ये 1 5 ये 6, यहाँ पर टोटल 6 क्यूब हो गया आपका, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करो, आप विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप क्या है, इसमें देखो ये जो है ना, ये टोटल ये 4 क्यूब आपको दिख रहा सामने से, इसको 4 को हटा दो पहले बाहर। अब इसमें है जो पीछे है ना, पीछे पीछे में कितना, 2 इधर है, 2 ऊपर है, और यहाँ पर 3 इधर है, तो 4 थी या 12, और 12 में से यहाँ पर 1 क्यूब गायब है, यानी कि यहाँ पर 11, टोटल कितना हो गया 15, 15 क्यूब्स आपके आंसर आ गए। नहीं समझ आया, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, है ना, इसको मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, आपको और विजुअलाइज अच्छे से हो पाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, है ना, इसमें हमने क्या किया कि इस लाइन के जो है ना बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ जो ये क्यूब्स हैं, है ना, ये क्यूब्स, इसको हमने अलग से काउंट कर लिया। यहाँ पर आपको दिख रहा साफ साफ ये 4 क्यूब है, तो हमने 4 को पहले लिखा। अब इसमें पीछे वाला क्यूब जोड़ेंगे, इसमें देखो इस लाइन में 2 क्यूब है, ऊपर भी 2 क्यूब है, और इस लाइन में देखो यहाँ पर 3 है, तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग हम यही सीखे थे, ये कितना हो गया टोटल 12। अब 12 में देखो यहाँ पर एक बीच से क्यूब को गायब कर दिया है, है ना, 12 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 11, और 11 प्लस 4 यानी कि 15 क्यूब्स आपके आंसर आ जाएंगे। काफ़ी आसान है, ठीक है, काफ़ी आसान है। यहाँ पर भी सेम तरीका आप यूज कर सकते हो, है ना, ट्रिक तो कोई काम करेगा नहीं, यहाँ पर आपको विजुअलाइज ही करना पड़ेगा फिगर को। आप इसमें भी देखो, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर है ना, ये 2 ऊपर में है और यहाँ पर 2 इधर बाहर में है, ये कितना हो गया 4 हो गया आपका। फिर अंदर में कितने हैं, ये 2 और ये 2, 2 2 4, मतलब यानी कि इस लाइन में 2 है, इस लाइन में 2 है, और इस लाइन में 3 है, ये भी कितना हो गया 4 या 12, और यहाँ पर एक बीच में से गायब है, तो यहाँ पर भी 11 प्लस 4 15 क्यूब्स हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान, ये सबसे बेस्ट तरीका है विजुअलाइज करके बनाने का 3D क्यूब्स को। आगे देखते हैं इस फिगर में, है ना, इस फिगर में देखो
स्फीयर में आप कैसे काउंट करोगे? इसमें एक तो तरीका है कि आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से इसको अलग कर दो, है ना, इधर वाले को अलग कर दो, यानी कि इधर वाले को अलग से काउंट करो, इधर वाले को अलग से काउंट करो। एक तो ये तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका। इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो इस लाइन में दो है, इस लाइन में दो है, यानी कि चार, और यहाँ पर इस लाइन में तीन, यानी कि बारह हो गया। बारह में से यहाँ पर एक गायब है, है ना। जब यहाँ पर एक गायब है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लगा हुआ हुआ भी है ना, यानी कि यहाँ पर बारह हो गया आपका। फिर अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर तीन इस लाइन में है, है ना, यानी कि तीन लाइन यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या हो गया, दो ऊपर में, तीन दो पाँच, और यहाँ पर दो ये वाला है, ठीक है ना, और पाँच दो सात, तो बारह सात कितना हो गया, उन्नीस क्यूब्स। ये काफ़ी आसान है, है ना, ये काफ़ी आसान है। इन सभी फिगर में कोई ट्रिक काम नहीं करता, इसमें आपको 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा। बहुत को प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर बोलेगा कि दो ही क्यूब्स क्यों है यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ पर हर एक लाइन में तीन क्यूब है ना, और यहाँ पर एक गायब है, तो यहाँ पर दो ही बचेगा ऑटोमेटिक से बात, और दिख भी रहा है यहाँ पर दो क्यूब, ये एक ये है एक ये है, ठीक है। तो आप यहाँ से 19 क्यूब्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तरीका यही है, है ना, तरीका यही है इसको कैलकुलेट करने का। आगे चलते हैं इसमें और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड कैलकुलेट करते हैं। अब देखो एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड नहीं करेंगे यहाँ पर हम, बेसिकली एडजेसेंट क्यूब करेंगे, है ना। अब जैसे देखो यहाँ पर जैसे कोई क्यूब है, है ना, कुछ इस तरह का एक मैं क्यूब आपके सामने रख रहा हूँ, है ना। देखो अगर ये मान लो ये साइड है, है ना, ये साइड है, इसके अपोजिट या नीचे होगा एक साइड जो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों साइड जो है ना इसका एडजेसेंट साइड है। उसी तरह से यहाँ पर जो क्यूब्स हैं, इस क्यूब्स के जो ये क्यूब है ना यहाँ पर, जैसे मान लो इस क्यूब को हम लेते हैं, है ना, इसको हम लेके स्टडी करते हैं, तो इसका एडजेसेंट क्यूब कौन सा होगा जो इससे चिपका हुआ है, इसका मतलब कौन सा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है ना, इसके पीछे वाला ये हो जाएगा, और कौन सा होगा, और कोई होगा, और कोई नहीं होगा कॉर्नर पर, और कोई नहीं होगा, क्योंकि पीछे की साइड में ये यहाँ पर चिपका हुआ है, और ये चिपका हुआ इधर, और नीचे ये, और ऊपर, और ये सामने, और इस तरफ में तो खाली ही है, कोई क्यूब्स ही नहीं है, है ना। मैक्सिमम कितने साइड में हो सकते हैं, यानी कि अगर मान लो कोई बीच में बल्क में उसके एडजेसेंट क्यूब होंगे छः, लेकिन यहाँ तीन साइड तो इसका कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये कॉर्नर पर है, तो इसीलिए इसका तीन एडजेसेंट क्यूब्स हो जाएगा। तो हमको यही कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे, इसमें देखो जैसे मैं यहाँ पर काउंटिंग करता हूँ, ठीक है, इस फिगर में थोड़ा सा और अच्छे समझ पाओगे। जैसे मान लो ये एक नंबर है, ठीक है, इसके नीचे इसको हमने दो माना, इसको तीन माना, इसको चार माना, इसको पाँच माना, इसको छः माना, इसको सात माना, इसको आठ, इसको नौ माना, ठीक है। आप समझ रहे हो, इसको हमने एक लिया इस क्यूब को, नीचे वाले क्यूब्स को दो माना, और फिर इसको तीन लिया हमने क्यूब्स को, इसको माना फिर चार, इसको फिर पाँच, इसको छः, इसको सात, इसको आठ, इसको नौ, इसको दस, ठीक है। इसी तरह से फिर पीछे जाएंगे, इसको ग्यारह ले लेते हैं, है ना, इसके नीचे बारह आएगा, फिर ये तेरह आएगा, इसके नीचे चौदह, फिर ये पंद्रह, इसके नीचे सोलह, ये सत्रह, इसके नीचे अठारह, और ये एक उन्नीस हो जाएगा। फिर हम पीछे जाएंगे, उन्नीस के नीचे बीस, ये इक्कीस हो जाएगा, इक्कीस के नीचे बाईस, ये तेईस, तेईस के नीचे चौबीस, ये पच्चीस आपका, और पच्चीस के नीचे छब्बीस, ये सत्ताईस, सत्ताईस के नीचे अट्ठाईस, और ये उनतीस क्यूब्स, टोटल उनतीस क्यूब हो गया, और ये वाला नीचे वाला इसके नीचे तीस हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि तेरह का एडजेसेंट क्यूब कौन सा होगा, तेरह का एडजेसेंट क्यूब कौन कौन सा होगा, यानी कि तेरह क्यूब, तेरह नंबर जो क्यूब है ना, ये वाला, इस वाले का बात कर रहे हैं, है ना। इसको अलग कलर से हम करते हैं, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिलेगा, है ना, इसको हम रेड कलर से कर देते हैं। ये वाला क्यूब का बात कर रहे हैं, है ना, ये तेरह नंबर क्यूब है ना, इस क्यूब से कौन कौन सा क्यूब्स चिपका हुआ है ना, यानी कि एडजेसेंट कौन कौन सा क्यूब है। आपको ऊपर से तो चार क्यूब दिख ही रहा होगा, सात है, ग्यारह है, पंद्रह है, सत्ताईस है, है ना। अभी यहाँ पर देखो आप विजुअलाइज करके इसको अच्छे से, है ना। अगर हम तेरह का एडजेसेंट साइड देखें, यानी क्यूब से देखें, तो आपको ये सात मिलेगा, इसके बगल में पंद्रह मिलेगा आपको, इसके बगल में इधर ग्यारह मिलेगा, और इसके पीछे में सत्ताईस मिलेगा। लेकिन एक क्यूब और इसके नीचे भी तो है, तो भाई हमको पता करना, चैलेंजिंग तो वही है, ये तो बाहर से दिख रहा था हमको सामने में, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इस फिगर में पूछूंगा, थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यही तो हमको विजुअलाइज करना है। अब यहाँ पर देखो,
हमारा ऑर्डर क्या था काउंट करने का, यानी कि हम इसको अगर वन बोल रहे थे इसके नीचे वाले को अगला पॉइंट इसको पोजीशन दिए हो, जिसे यहाँ पहला था ये दूसरा था, इसी तरह से ये तेरह था तो तेरह के नीचे कौन सा होगा, चौदह होगा, ठीक है ना। तो यही आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर। तो आपसे आंसर में ऑप्शन में क्या रहेंगे, यानी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन इसका एडजेसेंट है, क्यूब से है, है ना, वहाँ पर रैंक ऑप्शन कुछ अलग अलग, तो आपको वहाँ पर सही वाला आंसर टिक करना होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि एडजेसेंट साइड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि अब इस थोड़ा सा अच्छे लेवल पर चलते हैं, इस फिगर में, इस फिगर में क्या होगा, अगर हम इसको एक मानते हैं, ठीक है ना, तो ये दो, ये तो एक ही क्यूब हो गया ना, ये पूरा का पूरा एक ही क्यूब है, इसको मानेंगे दो, इसको तीन, इसको चार, फिर यहाँ पर ये पाँच हो जाएगा, छः सात आठ, फिर ये नौ हो जाएगा, दस ग्यारह बारह और ये तेरह हो जाएगा, ठीक है, फिर चौदह पंद्रह सोलह और ये सत्रह है ना, फिर सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस के बाद ये बाईस हो जाएगा, बाईस के नीचे हो जाएगा बाईस तेईस, बाईस के नीचे तेईस चौबीस पच्चीस और ये छब्बीस हो जाएगा, इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पर कि एक के नीचे दो है, है ना। तो इसी तरह से अगर हम आपसे पूछेंगे कि छब्बीस का एडजेसेंट या फिर पाँच का बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड बताओ, है ना, यानी कि पाँच का एडजेसेंट क्यूब कौन कौन सा होगा। एडजेसेंट का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ बगल वाला, ठीक है ना, एडजेसेंट का मतलब, सेंट का मतलब बगल वाला क्यूब का बात कर रहे हैं, है ना, पड़ोसी क्यूब कौन कौन सा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं पांच नंबर का कौन सा होगा पड़ोसी क्यूब, तो आपको तो यहाँ पर तीन तो सामने में दिख रहा है, यानी कि नौ होगा, एक होगा, छब्बीस होगा, लेकिन पाँच के नीचे भी तो होगा ना छः नंबर क्यूब, यदि इसका नंबर छः ही है ना, तो इसी को विजुअलाइज करना पड़ता है एग्जाम में, है ना, समझ रहे हो। आपको हर एक क्यूब्स पर मार्क करके नहीं देगा ये, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसको माना जाता है, तो यहाँ पर आपको हर जगह लिख कर नहीं देगा ये इतने नंबर, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बीच में रहता, ठीक है ना, उसको लिख भी नहीं सकता ना, उसको लिखेगा कैसे उसके नीचे वाले को, तो वहाँ पर आपको विजुअलाइज करके पता करना होता है इसके नीचे कौन सा क्यूब है और उसको आंसर करना होता है। तो ये है एडजेसेंट साइड का कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद जो है ना हमारा जो है थ्योरी वाला पोर्शन, यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर का थ्योरी वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, और जितने थ्योरी थे हर एक के साथ में हमने कुछ एग्जांपल भी किए कॉन्सेप्ट के साथ में। अब हमारा आगे टारगेट क्या रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी लेटेस्ट हैं एसएससी के, रेलवे के, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, उसको मैं कंपाइल करके एक क्लास में लाऊंगा, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी रहना। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर फिनिश। थैंक यू सो मच।